नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं हंगामा टाइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद एच शाम जाफर मिंटू लारी। इस वक्त जनपद कुशीनगर से बड़ी खबर सामने आ रही है। कुशीनगर के राष्ट्रीय लोक दल की अध्यक्ष पद प्रत्याशी प्रतिमा वर्मा ने बीजेपी व वर्तमान अध्यक्ष पर लगाई बड़ा आरोप, कहा कि ये किसानों और महिलाओं की विरोधी पार्टियां हैं। और उन्होंने कहा कि जनता मुझे चुनती है तो मैं मुफ्त चिकित्सा और शिक्षा और किसानों महिलाओं के लिए काम करूंगी। और उन्होंने प्रतिमा वर्मा ने कहा कि अगर मैं विजयी होती हूं तो एक कसिया कुशीनगर को किस तरह विकसित किया जाता है मैं जानती हूं। और जब मेरा संवाददाता उजैर अंसारी ने उनसे सवाल किया कि बड़े या छोटे नेता होते हैं वो वादा करते हैं, बाकी वादा करने के बाद पूरा नहीं करते हैं, क्या आप जो घोषणा पत्र में जो कही है, क्या विजय होने के बाद आप उस वादे को पूरा करेंगे? तो उन्होंने बताया कि अगर मैं विजयी होती हूँ कुशीनगर कसिया से और उस वादे को मैं पूरा नहीं करूँगी तो मैं क्या मेरे खानदान कभी चुनाव में उतरेंगे नहीं, कभी राजनीति नहीं करेंगे, राजनीति को त्याग पत्र दे देंगे। ऐसे बने रहे उजैर अंसारी की खास रिपोर्ट पर। जो लोगो है, जो टैग है, वो किसानों की पार्टी से दिखा जाना है, तो जो समस्या आप बता रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, तो क्या आपने कभी आवाज उठाया, रोडों पे गए, क्या इसके लिए कुछ आपने किया? एकदम किया सर। देखिए, बरवा फार्म के लिए लगातार हम लोग संघर्ष किए, एसडीएम साहब से 200 बार ज्ञापन हम लोग दिया गया और यहाँ तक उसके लिए धन भी अवमुक्त करा लिया गया। मैं यहाँ के लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि आपको मोह भंग नहीं हो रहा है भाजपा से? आप बताइए, भाजपा के दोनों मतलब पदों पे भाजपा के कार्यकर्ता हैं, शिव प्रताप शाही भी कृषि मंत्री है, उत्तर प्रदेश के इसी पूर्वांचल से आते हैं, और एक बरवा फार्म का कोल्ड स्टोर है जिसके लिए अभिषेक विश्वकर्मा से लड़ के हम लोग धन भी अवमुक्त करा लिया और आज तक उस पर काम नहीं लगा। इसके बाद भी लोग देखना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते हैं और स्टैचू पे फोटो खिंचवाने चले जाएंगे। शाही जी से लोगों को ये प्रश्न पूछना चाहिए, आपको हम लोग वोट निस्वार्थ भाव से किए हैं, बार बार हम लोग पूर्वांचल से बीच के भेजते हैं, आपने हमारे लिए किया क्या? गिने चुने हुए लोगों को जो उनके शागिर्द हैं उनको ट्रैक्टर मुफ्त में बांटे फिरते हैं। अभी कुछ दिन पेपर में पहले मैं पढ़ा था 485 करोड़ का किसी बजट, हम कहते हैं 485 करोड़ में 10 करोड़ भी अपने नगर में खर्च हुआ हो, अपने पूर्वांचल में खर्च हुआ तो बता दे। आप खुद अपने विवेक से, आप इतने बड़े पत्रकार हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि एक अमवा कोल्ड स्टोरेज में एक बरवा कोल्ड स्टोरेज, ये दोनों कोल्ड स्टोरेज किसानों का आलू का कटोरा कहा जाता था और दोनों बंद पड़े हैं। किसान जो 10 कट्ठा आलू बोता था आज 1 कट्ठा आलू बो रहा है, इसके लिए आप क्या कहेंगे? आप बताइए, आप खुद सर्वे कर रहे हैं तो ये दिखता है। और कहते हैं हमारे क्या नाम है कि कृषि मंत्री जी जो पूर्वांचल से लोगों के वोटों से जीत के जाते हैं, कहते हैं हम लोगों को पश्चिम के किसानों से सीखना चाहिए। पश्चिम का दौरा अभी मैं जाके करके आया हूँ, खतौली विधानसभा में 2 दिन प्रचार में भी रहा। आप जाइए वहां पे 50 एकड़ में फ्री में ट्यूबवेल है, यहाँ पे क्या है 100 रुपया डीजल का देके कितना धान हम बता देंगे, कितना हम अन्न पैदा कर देंगे, वो व्यवस्था यहाँ भी है। उस तरह की व्यवस्था के लिए आपने आवाज उठाया? हाँ, वो उस तरह की व्यवस्था के लिए आवाज उठाया तो हमको क्या नाम है सूचना मिली कि आप 80,000 दीजिए, आपको सोलर पंप दे देंगे। जिस किसान के पास 10 कट्ठा खेत हो, 20 कट्ठा खेत हो और अपना किसानी करता हो तो 80,000 लाख सरकार को पहले कहां से देगा? आप हमको बताइए, आप इनकी जितनी योजना है, कोई भी योजना आप पूछ लीजिए। देखिए, एक इनका बहुत योजना है, क्या नाम है ये स्वास्थ्य विभाग का जो योजना है आयुष्मान योजना, आयुष्मान योजना तो टोटल धांधली का है। इनके गिने चुने जो इनके कार्यकर्ता है उनका नर्सिंग होम है, उसमें क्या होता है कि 2,000-3,000 दे के ब्लैक में कार्ड बन जा रहा है, ठीक, और उसके बाद से दवा भी उन्हीं हो रहा है, 25,000 का दवा तो 1 लाख का बिल बन रहा है। आप एक चीज बताइए, नगर पालिका आप खुद उसको देख सकते हैं। आप सोचिए, मान लीजिए नगर पालिका में 1,10,000 वोटर है, आप समझ लीजिए दुर्योधन जागृति मिशन की स्थापना के जिसकी मैं मंत्रालय हूँ, तो मैं उसमें बेटियों का शिक्षा फ्री करूंगी और भी उनको अलग से केवल शिक्षा ही नहीं उनको मजबूत बनाया जाएगा ताकि हमारे नगर की हमारे क्षेत्र की हर एक लड़की हर एक बेटिया झांसी की रानी की तरह बुलंद हो। जी जी, चलिए, आपके पति हैं विवेक शर्मा जी, मैं उनसे भी बात कर लेता हूँ। विवेक वर्मा जी, मैं उनसे भी बात कर लेता हूँ और विस्तार में मैं जान लेता हूँ क्योंकि आप चूंकि राष्ट्रीय लोकदल की अध्यक्ष पद की प्रत्याशी हैं, आपकी पत्नी, आप बतौर प्रतिनिधि बताएंगे कि आप भी जा रहे होंगे क्षेत्र में, तो लोगों के सामने आप जा रहे हैं तो कितने की समस्या आ रही है उसके बारे में बताइए। देखिए, सबसे पहले तो जो 5 साल बीते हैं वो केवल लूट खसोट के बीच के हैं,
कई सड़कें तो ऐसी हैं जो काम नहीं हुआ, केवल उसका हल्का सा रिपेयरिंग करा के उसको पैसा पास कर दिया गया, और कई योजनाएं ऐसी हैं जो केवल कागज में होके उसका पैसा गमन कर दिया गया, केवल लूट में लोग लगे रहे जो भी जिम्मेदार पर्सन है, और आज भी वो चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं, कई जगह उनका विरोध भी हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी बेशर्मी कहां से उन लोगों के अंदर आ गई। वो लोग सोचते हैं कि हाथी का सिंबल खरीद लेने से वो फिर से जीत जाएंगे। बहुजन साथी भी मेरे साथ है, इस बार इस विचार व्यवहार में न रहे कि उनके साथ हो जाने वाले हैं, इस बार लोग काम देखना चाहते हैं, और इस बार सब लोगों ने विचार बनाया है कि एक ऐसे आदमी पर विश्वास किया जाए जो हमारे बीच का हो। तो इसके लिए हम लोग एकदम अपने आप को कोरोना काल में हमने एक ITR लगाया था जिसमें क्या नाम है स्वास्थ्य विभाग पे जितना खर्च हुआ है स्वास्थ्य मिशन अभियान में, तो उसके तहत हमको आया कि 7380 डस्टबिन लगे थे। आज आप नगर में कहीं भी एक डस्टबिन दिखा दीजिए आप, 7000 में हमको लग रहा है 70 पीस आपको नगर में डस्टबिन नहीं दिखेंगे। पूरे नगर पालिका में आप घूम लीजिए, आप तो घूमते भी हैं, आप भ्रमण करते हैं, आप कहीं डस्टबिन देख लीजिएगा। तो उस पैसे का वो पैसा कहाँ गया, अगर लगा तो है क्यों नहीं। आप वर्तमान में जो नगर अध्यक्ष उनके उनके द्वारा इस बोला जा रहा है कि मैं नंबर 1 पर हूँ कुशीनगर को मैं बनाया हूँ विकास मामले में, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। देखिए ये केवल झूठे वादे हैं। आप कहीं भी यहीं तेतरिया गांव में घुस जाइए, आप छोड़ दीजिए राम जानकी नगर में घुस जाइए, कितनी गंदगियां हैं कि वहां पे निकलने में, आप यहीं पे जस्ट बगल में विश्वकर्मा मंदिर के पास है आपके पांडे कॉलोनी, वहां घुस जाइए तब आपको समझ में आ जाएगा कितना विकास है। उन्हीं के समाज के लोग हैं। अब आप एक चीज बताइए, जिसके पास 3000 रहेगा उसका आयुष्मान कार्ड बनेगा, जिसका 3000 नहीं रहेगा उसका आयुष्मान कार्ड नहीं बनेगा। तो ये बताइए आम जनता जिसको गरीब है, जो अपने संघर्ष रोजी रोटी के लिए गए, वो 3000 रुपया कितने दिन में जुटा के देगा तब उसका आयुष्मान कार्ड बनेगा, आप उनको बता दीजिए। आप खुद सोचिए, आप हमारे चुन के हम भेजे हैं, आपके हाँ आपके हम लोग जन है और आप हमारे प्रतिनिधि हैं, ठीक है। आप हम तो आपको उस गद्दी पर बैठा गया तो आप सबको समान अधिकार देना, केवल जिसके पास टैग रहेगा उसी का स्वास्थ्य का जिम्मेदारी लेंगे। नगर के प्रत्येक, यहाँ तक के प्रदेश के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की है। तो ये आयुष्मान कार्ड का धोखा क्यों, हमारे नगर में जो ही बीमार पड़े उसको सरकार एम्बुलेंस से उठाए और उसको दवा करा के तुरंत पहुंचाए। नहीं अगर समझ में आता है तो हम लोग को आने के बाद देखिएगा, नगर पालिका परिषद में एक भी आदमी का इलाज पैसा नहीं लगने देंगे, निःशुल्क इलाज कराएंगे, उसका तरीका है। देखिए किसी भी जो भी हमारे प्रत्याशी हैं, आप चारों प्रत्याशियों से जाकर पूछ लीजिए कि आपके वहां कितना स्वास्थ्य विभाग काम करता है, वो नहीं बता पाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए आयुष केंद्र आपका कुशीनगर में, जहां दवाएं कूड़ेदान में फेंक दी जाती हैं, कोई वहां पहुंचता है, वहां पहुंचता है तो कहते हैं वो दवा नहीं है, इनको दुरुस्त करना है। अपने वहां कुशीनगर कुशीनगर में थोड़ा सा सामने आ जाए, थोड़ा दिक्कत हो रहा है, कुशीनगर में कसिया में आपके होम्योपैथ है और एलोपैथ है, जहां चिकित्सक कम बैठते हैं दवाओं की उपलब्धता रहती है, उसको हम लोग सुचारू रूप से संचालित करेंगे। सपा में आपका एलोपैथिक है, उसको हम लोग सुव्यवस्थित करेंगे, एक ही डॉक्टर है, बहुत कंप्लेन आता है, वो बैठते नहीं है, उनका भी चाबी रखा जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के जो भी जिम्मेदारी अधिकारी है उनको घेराव करके उनसे निवेदन करके, नहीं होगा तो जिला अधिकारी महोदय से शिकायत करके उनको दुरुस्त कराया जाएगा। और तीसरा हॉस्पिटल आपका मलुड़ी में है जो केवल होम्योपैथ का काम करता है, ये कोई बताने को तैयार नहीं है। आप हमसे पूछिए, पता नहीं जनता क्या ढूंढती है, एक बार हमें अवसर दे। मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ, एक बार अवसर दे के देखें, और जिस दिन हम लोग का शपथ ग्रहण होगा दूसरे दिन से अगर आमो हवा नहीं बदल गई, लोगों को ये नहीं लगेगा कि हम उत्तम पालिका में रहने नहीं लगे, तो आप हमसे कहिएगा। चलिए ये थे प्रतिमा वर्मा के पति थे, यानी प्रतिनिधि थे इनके, और ये कह रहे थे कि हम लोग शिक्षा चिकित्सा और रोजगार पे काम करेंगे, और बहुत सारा इन्होंने काम भी किया है, वो साफ दिख रहा है, और ये भी दावा कर रहे हैं कि जब मैं यहाँ बतौर अध्यक्ष पद शपथ ग्रहण करूंगी तो यकीनन पूरे नगर के लोगों को निशुल्क स्वास्थ्य का व्यवस्था किया जाएगा। और एक ये पढ़ी लिखी शिक्षित महिला है जिनका नाम प्रतिमा वर्मा है, ये कसिया नगर अध्यक्ष पद की प्रत्याशी है। आप ऐसे बने रहे हंगामा टाइम्स के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत।